बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है और न्यू ईयर भी आ रहा है और एक नए साल की शुरुआत हो रही है, तो एक्साइटमेंट तो ऑटोमेटिकली ब्लड में आ जाता है। क्या है 2024 का रेजोल्यूशन? 2024 का रेजोल्यूशन, वैसे तो मेरा मानना यह है कि रेजोल्यूशन इंसान के लिए वही है जिस दिन आदमी को समझ में आ जाए कि उसे क्या करना है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन लेके चल रहा हूँ कि इस साल मुझे थोड़ा वेट रिड्यूस करना है और फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। डायरेक्ट शूट से आते हैं तो टाइम नहीं मिलता, बट एक यही एक माहौल होता है, आप क्लबिंग के टाइम पे आप लोगों से अपने कलीग से मिल पाते हो, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। या फॉर 2024 आई थिंक मैं यही चाहूँगी कि अगर आपकी काम की शुरुआत भी अगर न्यू ईयर से हो जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब लोग मतलब जो मेरा एक नया शो आया है नथ कृष्णा गौरी की कहानी, तो अभी उसमें मैं नेगेटिव ही किरदार निभा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं चाहूँगी कि डे बाई डे आपका 2024 में भी आप एक नए शो के साथ जुड़े, ये मेरा है। हाँ, थैंक यू सो मच। ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रिटी बैश एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवनिंग टुडे। सॉरी, so my film got released like last month. It was Anari's Back, that did really well on the in the theaters. I've got good critics, good reviews from the audience, from the critics, so happy about it and looking forward for my upcoming movie that is called Mafia Queen. Yeah, it's an action packed multilingual pan India film, so I'm the mafia, I'm the queen. Yeah, thank you. ये तो रहा, हमारे कैमरा में सेंटर है। Very good, thank you. Good evening. So tell us something about celebrating Bash, and 2024 is coming up. How you are looking forward for this year? It's a great initiative. It's bringing together the entire industry. Puri industry ek saath aaj shaam ko milegi, party karegi. So ye bahut hi acha initiative hai and I'm looking forward ki mere kuch colleagues hain jo saal bhar kaam karte hain, unse milne ka mauka nahi milta, to I'm looking forward to hanging out with them tonight and catching up. जब भी मेरे बारे में लिखते हैं IMW बस तो तभी पढ़ता हूँ, वरना मैं एंटरटेनमेंट का इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आई एम रियली इनटू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो मैं उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। गॉसिप तो हमारी इंडस्ट्री की तो वैसे भी मिल जाती है। आई एम नॉट रियली इनटू द इंडस्ट्री गॉसिप, तो अनलेस दे राइट अबाउट मी। थैंकफुली काफ़ी साल हुए हैं मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा गया है।
हाँ, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, मेरे करियर के शुरुआत में आई थिंक हर किसी के साथ होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखा जाता है जो इनकरेक्ट हो, फैक्चुअली रॉन्ग हो, लेकिन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री आई गेस, एंड आई होल्ड नो ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन, डेफिनेटली नॉट अगेंस्ट यू मीडिया पीपल, एंड डेफिनेटली नॉट अगेंस्ट IMW Bus. थैंक यू वेरी मच. इस साल बहुत कुछ करने वाले भी हैं. कुछ अगर बताना चाहो किस चीज का? How this year has been for you? पहले तो आने वाले हैप्पी न्यू ईयर, कुछ है कुछ अभी तो इतना ड्रामा चलता है ना, क्या कर सकते हैं उसमें. आप इधर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा. ओके ओके, नहीं अभी ओके ठीक है जी, बोलिए. वो मुझे लगता है कि प्री प्लानिंग है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के लिए प्री प्लानिंग की तो ज़रूरत नहीं है, और जो प्री प्लानिंग करके जाते हैं वो कुछ कर तो पाते नहीं है. और कितने कपल चलेंगे वहाँ पे? एक कपल बहुत था, दो कपल बहुत थे, तीन ठीक है, अब चार चार ऐसे ही कपल बना के जाएंगे तो फिर सिंगल लोगों की तो एंट्री का कोई मतलब नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी, चाहे वो मुनावर ने की हो चाहे आयशा ने की हो. मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल गए हो, खेलो, क्या ज़रूरत है किसी की. आप बहुत कुछ अपने में ही कुछ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसी का साथ ही होना, बिग बॉस में बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, आयशा खान गई, प्री प्लानिंग थी वो सारी चीज़ें, और इतनी जल्दी जब हमें लगता है कि हाँ हमारे लिए ये बंदा सही नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने एलिगेंस लगाई थी उनके ऊपर, और फिर अचानक ही उनका मूड चेंज हो गया, अचानक ही उनकी स्टोरी चालू हो गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका प्लान था ऑलरेडी, ठीक है, कि आयशा आएगी या फिर उनकी एक और एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका वो नाम ले रहे थे वहाँ पर. ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मुनावर इतनी अच्छे, लोग इतना पसंद करते हैं उनको, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है. वो बहुत कुछ कर सकते थे. आयशा को आने के बाद मेरे ऊपर ऐसे कोई एलिगेंस लगाए और फिर मैं छोड़ दूँगी? नेवर. मैं तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो बिग बॉस में आकर एंट्री भी कर ले, मैं तो सीधा बोलूँगी भाई तुझसे जब तक बिग बॉस में मैं बात नहीं करने वाली, मैं बाहर निकल के फिर बताऊंगी कि तूने कौन कौन से एलिगेंस लगाए हैं मेरे ऊपर. तो मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं थी उनको. प्लानिंग जो भी की है और बिग बॉस को भी दिखाई दे रहा है, आयशा जिस तरीके से गई थी, जिस एटीट्यूड से गई थी, उनका तो मुझे लगता है कि वो स्टोरी चलाने गई थी, तो स्टोरी चलाओ फिर. जी सॉरी, आई डोंट नो, एक्चुअली इस चीज़ का तो मुझे भी क्लियर नहीं है. उन्होंने किया था तो फिर इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, वो वैसे भी जा सकते थे, बट मुनावर ने की है चाहे आयशा ने की है, जिसने भी की है मैं कहती हूँ गेम तो अच्छा चला ले. अब गेम भी ऐसा ही चलेगा, एक कपल, दो कपल, चार कपल, इंडिविजुअल कौन है फिर वहाँ पे खेलने वाला? वो भी तो होना चाहिए ना. मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब बिग बॉस में चाहे कहीं भी हो, कपल की ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें करने की. चलिए सूर्य जी, यहाँ भी थैंक यू. यहाँ से देखो सूर्य जी, इधर देखो आप सूर्य जी, इधर देखिए हमारे भाई को व्हाट्स योर प्लान फॉर 2024 एंड 2023 का बैच सेलिब्रेशन है, हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स. IMW Bus के
जो भी सेलिब्रिटी बैश होता है आई हैव ऑलवेज बीन देयर एंड इट्स लॉट ऑफ फन वी मीट लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर वी हार्डली गेट चांस टू मीट ईच अदर बट राइट नाउ दीज ओकेशंस वी कुड मीट ईच अदर सो आई एम वेरी प्रीटी एक्साइटेड एंड फॉर 2024 डेफिनेटली आई वॉन्ट टू डू मच बेटर वर्क जो 23 में किया है उससे ज़्यादा बेटर कुछ करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है एक्टर सिर्फ अंदर ही अपने सोच रहा होता है और ऐसा मुझे कुछ ऐसा पार्टी वाड़ी का कोई सीन है इज जस्ट आई एम वर्किंग ऑन माय सेल्फ एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बहुत आई सोचा इतने सालों से सोच ही रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय जॉब इज अबाउट टू मैनिफेस्ट एंड आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग टू वर्क विद great great directors and Hi guys, how are you? Hello. All good? Brother. Hello, guys. A few days left for 2024. How you are looking as your professional life? I'm happy where I am. It's always the case. I've always been happy where I am. A lot of prospects ahead. I'm looking forward to it. And hopefully something more interesting, something new, something fresh. Abhi reveal kar dunga to maza nahi aayega, phir jab aayega to. देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं दो तीन चीज़ें चल रही हैं इन द पाइपलाइन आई डोंट नो व्हाट आई विल गो अहेड एंड डू व्हाट आई विल फाइनलाइज ऑन बट एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग आई एम गोइंग टू फाइनलाइज ऑन आई थिंक इट विल बी वर्थ इट एंड इट विल बी गुड एंड आई एम होपिंग टू एंटरटेन पीपल एवरी डे ओटीटी की खबरें आ रही है इज देयर आ रही है खबरें right, मुझे भी खबरें आ रही हैं कितनी सच्चाई है मेरी ही बात कर रहा हूँ मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ मुझे भी खबरें आ रही हैं कि ओटीटी चल रहा है कोई पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे देखो जैसे होता है हमारी इंडस्ट्री में मैंने बहुत पहले भी बोला है इट्स अ वेरी डाइसी स्पेस एंड यू कांट फाइनलाइज ऑन एनीथिंग अंटिल इट्स फाइनल सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट यट एंड हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड ये लास्ट टाइम भी बहुत मजा आया था हाँ जी बस रुक जाऊंगा सेंटर में देखना आपको हाँ ठीक है चलो बोलिए ओके हाँ तो मैं कह रहा था कि लास्ट ईयर भी बहुत मजा आया था एमडब्ल्यू बस की पार्टी में और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीबॉडी अगेन It's been some time since I've been out and met people. So, acha lag raha hai. And I'm waiting to go inside and see what's happening. Baba, Bigg Boss 17 kitna follow kar rahe ho? Kise support kar rahe hai? Baba, main follow nahi kar raha hu. Aur to support ki baat agar main nahi karu to hi better hoga. Because I'm not watching it. Nahi, main pehli baat to social media se hi bahut door hu main fil waqt. Interesting lag raha hai mujhe. Kitabe padh raha hu aur scripts padh raha hu. Cricket khel raha hu. Thank you.
क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई एम बीइंग आउटडोर एंड इट्स फन आई थिंक सोशल मीडिया गेट्स यू क्लस्टर्ड इन अ लॉट ऑफ वेज एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम दैट नहीं अभी तक तो नहीं लेकिन अगर आएगी तो मज़ा आएगा आने वाली भी आई है यार लुक एज एन एक्टर मुझे लगता है कि लुक एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए सो दैट यू नो व्हेन यू गेट अ कैरेक्टर सच दैट यू कैन प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड आई रियली आई एम समवन हु एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स विद माय लुक्स हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया करूँ कुछ नए तरीके से अपने आप को खुद को मिरर में जब देखता हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि कुछ नया किरदार है कोई तो इस हिसाब से कोशिश करता रहता हूँ मैं कई चीज़ें ख़राब भी लगती हैं कभी कभी कई चीज़ें अच्छी लगती हैं कभी कभी आज मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा होगा थैंक यू सेम टू यू गाइस हैप्पी न्यू ईयर मैरी क्रिसमस एंड हैव अ लवली 2024 ईयर थैंक यू बाय 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 एक विजुअल्स कर लेते ना वेरी मच एक्साइटेड साल में एक बार इवेंट होता है ये सब साथ में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हाँ एक्चुअली लाइक दिसंबर का महीना है और बहुत फेस्टिव महीना है क्रिसमस भी नज़दीक है बिल्कुल एंड कैचिंग अप विथ माई फ्रेंड माई फैमिली सो वेरी एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इनफैक्ट आई थिंक सारे एक्टर्स ही एक तरह से एक फैमिली की तरह ही है तो विल बी मीटिंग लॉट ऑफ पीपल इनसाइड पता नहीं सो या काफ़ी लोग We'll do one more.